नमस्कार। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का अभी के इस वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर जो है वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। पिछली जो सुनवाई हुई थी 5 अगस्त 2022 के दिन, तो उसमें अंतिम में कहा गया था, तो इन मामलों की सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2022 का जो दिन है, तो उस दिन भी जो है वो आगे की सुनवाई की जाएगी। और यह सुनवाई ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो अधिवक्ता है, तो उनके दोनों के द्वारा की जाने वाली है। तो जी हाँ, इससे के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, तो उसे जानने के लिए हम सभी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर जो भी जानकारी रहेगी, तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर जो है वो पिछले 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त को जो है वो सुनवाई हुई है। तो यह जो 4 दिन की सुनवाई है, तो उसको लेकर यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो वो काफी मजबूत है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट द्वारा भी पूरा जोर यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यह जो उच्च पेंशन का लाभ है, तो वो जल्द से जल्द मिल सके। और इससे पहले भी बहुत सारे उच्च न्यायालय द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दे दिया जा चुका है। बावजूद इसके ईपीएफओ द्वारा ये जो सिविल रिव्यू पिटीशन है, तो वो दाखिल कर दी गई थी, तो वो इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली उच्च पेंशन का रास्ता है, तो वो कुछ समय के लिए बंद हो गया है। पर अभी इन मामलों के ऊपर जो है वो भी सुनवाई होगी, और इसके बाद अभी क्या फैसला दिया जाएगा, तो उस फैसले के ऊपर सभी के निगाहें लगी हुई है। तो हो सकता है कि आज के दिन जो सुनवाई होने वाली है, तो वो अंतिम सुनवाई हो, और इस सुनवाई के बाद जो है वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया जाए। जो भी फैसला रहेगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल जानकारी आने वाले समय में देता रहूंगा, क्योंकि आप सभी जो है वो आज की सुनवाई के संबंधित जो भी अपडेट रहेंगे, तो उसे जानने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो ऐसे में मैंने आपके लिए यह जो वीडियो बना दिया है, जो भी अपडेट रहेगा, तो मैं आपके साथ जो है वो साझा करता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो जी हाँ, 5 अगस्त 2022 को जो सुनवाई हुई थी, तो उसमें एक सीनियर लेडी एडवोकेट जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर कर रही है, तो उनके द्वारा एक ईपीएस 95 पेंशन धारक की जो केस है, तो वो रखी गई थी, और माननीय कोर्ट के समक्ष डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो विस्तार से जानकारी दी गई थी। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो उसको लेकर भी जानकारी दी गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि ईपीएफओ द्वारा जो पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो जो मौजूद समय में फंड जमा है, कॉपर जमा है, तो उसको जो इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट मिलता है, तो वही इंटरेस्ट जो है वो पेंशनर्स को पेंशन के रूप में पे कर दिया जाता है, और जो फंड है, तो उसको तो हाथ भी नहीं लगाया जाता, और यह जो है वो बढ़ते ही चला जा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में जो ईपीएस 95 पेंशन योजना में जुड़े हुए हैं, तो वो भी अपना जो अंशदान है, तो वो दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जो फंड है, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज भी होता जा रहा है। और ईपीएफओ द्वारा बावजूद इसके बताया जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो यहाँ पर ये जो दलीलें पेश की गई थी, तो इसके काउंटर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट्स द्वारा यह जो काउंटर दलीलें है, वो डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है। और यह जो एक ईपीएफओ का मुद्दा था, तो उसे जो है वो खारिज भी कर दिया अपनी दलीलों के जरिए। अब ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर 2 अफिडेविट जो है वह साझा कर दिए गए हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के माध्यम से। तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को अगर रिवीजन में किया जाता है, तो उनको अभी कितनी पेंशन मिलती है, और ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च वेतन पर पेंशन पाने के लिए उनको कितना कंट्रीब्यूशन फिर से करना पड़ेगा, तो उसका जो डिटेल ब्यौरा है, तो उसमें जो दिया गया है। साथ ही उनको रिवाइज हायर पेंशन कितनी मिलेगी, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा कर दी गई है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट है, तो उनके द्वारा इसे जो वो किस तरह से काउंटर किया जाता है, सुनवाई में जो है वो हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की इस सुनवाई को लेकर जो भी अपडेट रहेगा, तो मैं आपको देता रहूंगा। इसके लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके
रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी जानकारी रहेगी तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला है तो उस फैसले में क्या ऑर्डर आता है तो उसे जानने के लिए जो नया वीडियो आएगा तो उसमें। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का अभी के इस वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इन मामलों के ऊपर जो है वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। पिछली जो सुनवाई हुई थी 5 अगस्त 2022 के दिन तो उसमें अंतिम में कहा गया था तो इन मामलों की सुनवाई के लिए 10 अगस्त 2022 का जो दिन है तो उस दिन भी जो है वो आगे की सुनवाई की जाएगी और यह सुनवाई ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो अधिवक्ता है तो उनके दोनों के द्वारा की जाने वाली है। तो जी, इससे के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा तो उसे जानने के लिए हम सभी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर जो भी जानकारी रहेगी तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं तो इन मामलों के ऊपर जो है वो पिछले 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त को जो है वो सुनवाई हुई है। तो यह जो 4 दिन की सुनवाई है तो उसको लेकर यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो वो काफी मजबूत है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट द्वारा भी पूरा जोर यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यह जो उच्च पेंशन का लाभ है तो वो जल्द से जल्द मिल सके। और इससे पहले भी बहुत सारे उच्च न्यायालय द्वारा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दे दिया जा चुका है, बावजूद इसके ईपीएफओ द्वारा ये जो सिविल रिव्यू पिटिशन है तो वो दाखिल कर दी गई थी। तो वो इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली उच्च पेंशन का रास्ता है तो वो कुछ समय के लिए बंद हो गया है, पर अभी इन मामलों के ऊपर जो है वो भी सुनवाई होगी और इसके बाद अभी क्या फैसला दिया जाएगा तो उस फैसले के ऊपर सभी के निगाहें लगी हुई है। तो हो सकता है कि आज के दिन जो सुनवाई होने वाली है तो वो अंतिम सुनवाई हो और इस सुनवाई के बाद जो है वो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया जाए। जो भी फैसला रहेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी पूरी डिटेल जानकारी आने वाले समय में देता रहूंगा क्योंकि आप सभी जो है वो आज की सुनवाई के संबंधी जो भी अपडेट रहेंगे तो उसे जानने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो ऐसे में मैंने आपके लिए यह जो वीडियो वो बना दिया है, जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपके साथ जो है वो साझा करता रहूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो जी, अब 5 अगस्त 2022 को जो सुनवाई हुई थी तो उसमें एक सीनियर लेडी एडवोकेट जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर कर रही है तो उनके द्वारा एक ईपीएस 95 पेंशन धारक की जो केस है तो रखी गई थी और माननीय कोर्ट के समक्ष डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो विस्तार से जानकारी दी गई थी। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो उसको लेकर भी जानकारी दी गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि ईपीएफओ द्वारा जो पेंशन का भुगतान किया जाता है तो जो मौजूद समय में फंड जमा है, कॉपर जमा है, तो उसको जो इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट मिलता है तो वही इंटरेस्ट जो है वो पेंशनर्स को पेंशन के रूप में पे कर दिया जाता है और जो फंड है तो उसको तो हाथ भी नहीं लगाया जाता और यह जो है वो बढ़ते ही चला जा रहा है क्योंकि मौजूदा समय में जो ईपीएस 95 पेंशन योजना में जुड़े हुए हैं तो वो भी अपना जो अंशदान है तो वो दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जो फंड है तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज भी होता जा रहा है और ईपीएफओ द्वारा बावजूद इसके बताया जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन देने से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो यहाँ पर ये जो दलीलें पेश की गई थी तो इसके काउंटर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट्स द्वारा यह जो काउंटर दलीलें है वो डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है और यह जो एक ईपीएफओ का मुद्दा था तो उसे जो है वो खारिज भी कर दिया अपनी दलीलों के जरिए। अब ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर दो अफिडेविट जो है वो साझा कर दिए गए हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के माध्यम से। तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को अगर रिविजन में किया जाता है तो उनको अभी कितनी पेंशन मिलती है और ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च वेतन पर पेंशन पाने के लिए उनको कितना कंट्रीब्यूशन फिर से करना पड़ेगा,
तो उसका जो डिटेल ब्यौरा है तो उसमें जो दिया गया है, साथ ही उनको रिवाइज हायर पेंशन कितनी मिलेगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा कर दी गई है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट है तो उनके द्वारा इसे जो वो किस तरह से काउंटर किया जाता है सुनवाई में जो है वो हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की इस सुनवाई को लेकर जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको देता रहूंगा। इसके लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी जानकारी रहेगी तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला है तो उस फैसले में क्या ऑर्डर आता है तो उसे जानने के लिए जो नया वीडियो आएगा तो उसमें। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।